मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 में क्या है? फंक्शंस। फंक्शंस के बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर काफी डिटेल में पढ़ लिया था। फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शंस की टाइप्स क्या हैं, फंक्शंस की डोमेन रेंज क्या होती है। आज हम थोड़ा सा ब्रीफ में इसको रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन क्या था? फंक्शन एक मैपिंग है फ्रॉम द सेट ए टू बी। तो ये फंक्शन जो है दो सेट्स के ऊपर काम करता है, दो सेट्स को ज्वाइन करता है। यानी कि दो फंक्शन, दो सेट जो हमारे पास है ए और बी, इनका आपस में कनेक्शन करवाता है। अगर इसके बीच में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये फंक्शन क्या करता है, एक एलिमेंट को एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यानी कि फंक्शन एक रिलेशन की तरह काम करता है जिसमें दो सेट्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनता है। तो फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो भी फंक्शन है वो एक रिलेशन सेट होगा, लेकिन सभी रिलेशंस फंक्शंस नहीं होते। तो कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं होते और कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं, तो इसमें क्या फर्क है वो भी हम देख लेते हैं। एक रिलेशन सेट हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें वो सेट है ऑर्डर पेयर्स का ए और बी, जिसमें हम ले रहे हैं कि जो ए है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारे पास दो रियल नंबर्स के सेट हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, बी स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हमारे पास रियल नंबर जीरो है तो उसकी कनेक्टिविटी जीरो के साथ होगी, क्लियर है, क्योंकि जीरो का स्क्वायर भी हमारे पास जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस वन और वन को लें तो इसकी कनेक्टिविटी किसके साथ होगी, वन के साथ, क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर भी वन आएगा और वन का स्क्वायर भी वन आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक इनपुट के लिए हमारे पास दो आउटपुट्स आ रही हैं। अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे वन रिप्लेस करते हैं तो बी की वैल्यू हमारे पास दो आ जाती है, माइनस वन एंड वन। तो इस तरह जो रिलेशन सेट जिनमें हमारे पास एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स आ जाती हैं, वो रिलेशंस हमारे पास फंक्शन नहीं होंगी। तो फंक्शंस के लिए ये जरूरी है कि एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। तो ये मेन रूल है फंक्शंस के लिए। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारे दो सेट्स हैं ए और बी, तो ए सेट हमारे पास फंक्शन का डोमेन होगा और बी सेट हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन, क्लियर है। तो अब जो हमारे पास डोमेन है इसका काम क्या है? जो भी हम फंक्शन लेते हैं, मान लीजिए हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हमारे पास जो भी आउटपुट होती है उसको हम ले लेते हैं y। तो ये डोमेन क्या करती है, जब भी हम x की वैल्यू को डालते हैं तभी हमारे पास कोई आउटपुट आती है। तो हम ये देखते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यूज है उस x की वैल्यूज के ऊपर बाउंड हो जाती है। तो फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए x की वैल्यूज के ऊपर। तो डोमेन के अंदर हम यही देखते हैं कि कौन सी वैल्यूज के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फंक्शन किन वैल्यूज के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ जीरो विल बी इक्वल टू वन बाय जीरो। तो क्या वन बाय जीरो ये कोई फाइनाइट वैल्यू है? नहीं, ये हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है। तो हम इस तरह से ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू जीरो के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। तो यही चीज है डोमेन के अंदर कि जो एक्स की वैल्यूज हैं फंक्शन उनके ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो हुआ डोमेन का काम। अब को डोमेन का काम क्या है? जब हम डोमेन के अंदर से कोई वैल्यूज हम फिलअप करते हैं फंक्शन के अंदर, या फिर ये कह रहे हैं कि ये हमारी इनपुट है, तो इनपुट के बाद हमारे पास क्या कैलकुलेट होकर आता है, आउटपुट्स। तो जब आउटपुट्स आती हैं तो वो हमारे पास उनका जो सेट होगा
उनको हम कहते हैं रेज। रेज क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ आउटपुट्स। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस को, इमेजेस के सेट को हम रेज कहते हैं। तो जो रेज है दैट शुड बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि ये जो रेज आती है हमारे पास या फिर ये कह लो जो भी आउटपुट्स आती हैं वो किस सेट को बिलोंग करेंगी? कोडोमेन को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही सेट है ए एंड बी, जिसमें से एक हमारा डोमेन होगा और दूसरा हमारा कोडोमेन होगा। तो जो भी हमारी आउटपुट्स आती हैं उनका जो सेट होगा वो हमारे पास रेंज होगा, लेकिन जो रेंज है किसका एक पार्ट होगी? वो सेट बी का पार्ट होगी। तो इस तरह से ये आपको क्लियर होगा होगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है। ये तीन मेन चीजें हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तीनों चीजें जो हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि फंक्शन हमारा मॉडुलस फंक्शन है या इरेशनल है या फिर फ्रैक्शन रैशनल फंक्शन है, तो उनके लिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारी जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है? एक्सरसाइज से पहले हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल नंबर 16 इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x+1। तो यहाँ हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एक्स एंड जी एक्स। फाइंड f प्लस जी ऑफ x, मतलब कि अब हमने दो फंक्शंस की एडिशन लेनी है। तो हमने एलजेब्रा में पढ़ा था, एलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस में, कि दो फंक्शंस की एडिशन पॉसिबल है। तो सिंपल है कि हमने एफ एक्स की वैल्यू भरनी है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स क्या है हमारे पास 2x+1। तो इस तरह से दो फंक्शंस की जो एडिशन है वो हमारे पास ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट f माइनस जी एक्स। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन है। मेन चीज क्या है इसमें कि फर्स्ट हमारे पास f है, सेकंड हमारे पास माइनस g है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स की हमारे पास वैल्यू है 2x+1, तो एक्स स्क्वायर में से हमें ये घटाना है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस साइन है। तो ये माइनस क्या करेगा, अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू माइनस वन तो माइनस वन। क्लियर। नाउ थर्ड इज एफ जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लाई है दो फंक्शंस की। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में है जी एक्स। तो आप ये जो एक्स स्क्वायर है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स की पावर हमारे पास तीन हो जाएगी और वन इंटू एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस की क्या आई है, मल्टीप्लीकेशन। नाउ डिवीजन एफ अपॉन जी ऑफ एक्स, ये सिंपल है, रैशनल फंक्शंस की तरह एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर और जी एक्स क्या है 2x+1, लेकिन साथ में हमारे पास जो रैशनल फंक्शंस की कंडीशन है कि जो जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू है 2x+1 जीरो कहां पे होगी, when x is equal to minus half। तो ये हमारे पास इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने लिखा है कि gx should not be equal to zero। ये कंडीशन है gx should not be equal to zero। डिनोमिनेटर हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये वैल्यू जो होगी x की कौन सी वैल्यू के ऊपर जीरो आएगी, आप इसको इक्वल टू जीरो रख के देख सकते हैं, 2x+1 इक्वल टू जीरो। तो वहां से x की वैल्यू आएगी माइनस हाफ। तो हमने ये वैल्यू जो है एक्सक्लूड कर देनी है। तो इस तरह से 16 एग्जांपल में आपने सीखा कि दो फंक्शंस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को हमने कैसे सॉल्व करना है। नाउ व्हाट इज द 17 एग्जांपल,
तो सेम है 17 एग्जांपल में भी, वो आप खुद ट्राई करेंगे, उसमें भी हमारा अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस ही है, सिंपल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो बिल्कुल 16 एग्जांपल की तरह प्रोसीड करेंगे। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस आर 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो हमने ये डिस्कस किया था कि कौन से रिलेशंस फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशंस फंक्शन नहीं होते। तो हमें सिर्फ एक ही लाइन याद रखनी है, वन इनपुट हैज ओनली वन आउटपुट। तो एक इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट होनी चाहिए। तो हम ये देखेंगे एरो डायग्राम से, इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट इज 2 1, ऑर्डर पेयर्स है सेट के अंदर हमारे पास 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। तो हमें पता है रिलेशन सेट के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास फर्स्ट प्लेसेस होती हैं ऑर्डर पेयर्स में, वो सब डोमेन होती हैं, और जो हमारे पास सेकंड प्लेसेस के ऊपर वैल्यूज हैं, वो सब इसमें आती हैं रेंज के अंदर। तो रेंज में हमारे पास सिर्फ वन है और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स हैं 2 5 8 11 14 एंड 17। तो कनेक्टिविटी हम चेक करते हैं, पहले ऑर्डर पेयर हमारे पास क्या है, 2 1 का ऑर्डर पेयर है, देन 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड देन 17 1। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इनपुट की एक ही आउटपुट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 है, इसके कितने आउटपुट है, 1। 5 की आउटपुट भी एक ही है, 8 की आउटपुट भी 1 ही है, 11 की आउटपुट भी एक ही है। तो इस तरह से आप देखेंगे जितने भी हमारे पास डोमेन के अंदर पॉइंट्स हैं, उन सभी की कितनी आउटपुट आ रही है, 1 आउटपुट। लेकिन एक आउटपुट की कितनी ही प्री इमेजेस हो सकती हैं। तो यहाँ भी हम नोट करेंगे कि ये हमारे पास इमेजेस हैं, तो इमेजेस के पीछे अगर हम जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होंगी, प्री इमेजेस, यानी कि 1 की प्री इमेज क्या है, दैट विल बी 2 5 8 11 14 एंड 17। यानी कि इमेजेस की, एक इमेज की कितनी भी प्री इमेजेस पॉसिबल है, लेकिन एक पॉइंट की या एक एलिमेंट की, डोमेन के किसी भी एलिमेंट की हमारे पास सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या ये फंक्शन है, यस ये फंक्शन है। नाउ व्हाट इज इन सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी हम एरो डायग्राम लगाकर चेक कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास सेट है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। तो इसमें भी हमारे पास दो सेट्स हैं डोमेन और रेंज के। तो इसमें फर्स्ट जो प्लेसेस है, जितने भी हमारे पास फर्स्ट प्लेसेस के एलिमेंट्स हैं, डोमेन के अंदर आएंगे 2 4 6 8 10 12 14। तो सेकंड प्लेसेस के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंग ही हमने कनेक्टिविटी लेनी है। 2 की अटैचमेंट हो रही है 1 के साथ, 4 की 2 के साथ, 6 की 3 के साथ, 8 की 4 के साथ। इस तरह से आप देख रही है कि हर इनपुट के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आउटपुट है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन है, तो इट इज ऑल्सो ए फंक्शन। क्लियर है? सेकेंड पार्ट भी हमारे पास एक फंक्शन है, क्योंकि हर इनपुट के लिए हमारे पास एक ही आउटपुट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, तो थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें हम चेक करेंगे कि वो फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। थर्ड पार्ट में 3 ही हमारे पास ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 3 1 5 2 5।
क्लियर। तो यहाँ पे जो दो सेट है हमारे पास, पहली प्लेसेस के ऊपर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 and 2, और सेकेंड सेट में हमारे पास है 3 and 5। 1 का ऑर्डर पेयर है 3 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर है 5 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर है 5 के साथ। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि जो 1 है इसके कितनी आउटपुट्स आ रही है, 2 आउटपुट्स। तो हमें कितनी आउटपुट चाहिए होती है, सिर्फ एक आउटपुट होनी चाहिए फंक्शन के लिए। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, बिकॉज 1 हैज 2 आउटपुट्स दैट आर 3 and 5, देन इट इज नॉट अ फंक्शन। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। अब हमारे पास दो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, एक मॉडुलस फंक्शन है और दूसरा हमारे पास इरेशनल फंक्शन है, तो उनकी हम डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। तो इसके डोमेन और रेंज को हमने डिस्कस करना है। देखिए, x की किसी भी वैल्यू के लिए अगर हम 1 लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, -1। अगर हम 0 लेते हैं तो इसकी आंसर क्या है, ये हमारे पास 0। और -1.5 लेंगे तो इसका आंसर आएगा -1.5। तो इस तरह से आप देखेंगे x की हर वैल्यू के ऊपर फंक्शन जो है हमारा एग्जिस्ट करता है। कहीं भी ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है एक्स की किसी वैल्यू के लिए जो मॉडुलस फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आएगी, दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। डोमेन विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर है। डोमेन का काम ही यही है कि फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए एक्स की वैल्यूज के ऊपर। तो ये हमारा डोमेन क्लियर हो गया। नो व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज क्या है। देखिए, मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। मॉडुलस क्या करता है, किसी भी एक्स की वैल्यू के ऊपर उसको पॉजिटिव करता है। तो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है, मॉडुलस की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो बीच की इनक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स दैट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन दैट विल बी माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, क्योंकि ओनली हमारे पास रियल नंबर्स ही आएंगे। जब हम एक्स की रियल वैल्यूज को फिल अप करेंगे हमेशा जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, एक नेगेटिव रियल नंबर आएगी। तो आप ये कहेंगे कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो क्या है, माइनस इनफिनिटी टू जीरो, और जीरो के ऊपर हमने क्लोज इंटरवल लिया। क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू जीरो लेंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरह से ये हमें डोमेन और रेंज क्लियर। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज क्या है, माइनस इनफिनिटी टू जीरो। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फंक्शन है हमारे पास √9 - x के। तो ये हमें पता है कि जब भी अंडर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो हमने देखा कि √2 होगा, √3 होगा, √1 की वैल्यू इक्वल टू 1 ही होती है, या फिर कोई पॉइंट्स में भी हो सकते हैं -√2.5। लेकिन माइनस जो है फंक्शंस के लिए नहीं है। तो फंक्शन में जो x की वैल्यूज हैं या इसकी जो रेंज है वो हमारे पास रियल नंबर्स में ही होना चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे अंदर तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने फंक्शंस को रियल नंबर्स के ऊपर ही चेक करना है कि जो डोमेन है या रेंज है रियल नंबर्स में से उनकी वैल्यूज क्या होंगी। तो जो 9 - x² है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी हमारे पास वैल्यू है या पॉलिनोमियल है दैट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 9 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x², या फिर हम इसको लिखते हैं x² इज लेस देन और इक्वल टू 9।
अब 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, x स्क्वायर की वैल्यू 3 के स्क्वायर से लेस देन और इक्वल है, तो यहां से हमारे पास x की जो लिमिट है या फिर ये कह सकते हैं जो इंटरवल आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, -3 to 3। आप चेक कर सकते हैं रियल नंबर लाइन के ऊपर, ये हमारे पास 0 है, -3 होगा, यहाँ पे कहीं 3 होगा। अगर हम ये इंटरवल लेंगे तो -4 आप चेक करें, -4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो जो 16 है दैट कैन नेवर बी लेस देन 9, क्लियर है। तो इस इंटरवल में कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो उसका स्क्वायर जो होगा 9 से लेसर नहीं होगा। इसी तरह जब आप इस इंटरवल में जाते हैं 3 टू इनफाइनाइट, यानी कि 4 ले या 5 ले या 6 ले या कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू ले, तो भी उसका जो स्क्वायर है वो 9 से लेसर नहीं होगा। तो हमारे पास जो इंटरवल आएगा दैट विल बी -3 to 3। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है, एक्स की जो वैल्यूज आएगी -3 to 3 आएगी। तो ये हमारे पास डोमेन है फंक्शन के -3 to 3 इन द क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्यों लिया हमने, क्योंकि जो -3 है या 3 है उसकी वैल्यू भी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है, तो वो भी इनके ऊपर भी हमारे जो फंक्शन है एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए जो डोमेन है वो क्या है हमारे पास -3 to 3। अब हम कैलकुलेट करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज क्या होती है, हमने डिस्कस किया था किसी भी इनपुट के लिए जो हमारे पास आउटपुट्स आती हैं उसका जो सेट है वो रेंज होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि fx = yx, सभी आउटपुट्स को हमने क्या मान लेना है, y। तो 9 - x² √ = y आया, तो यहाँ पे हमारे पास 9 - x² = y² तो y स्क्वायर क्या आएगा, सॉरी x² = 9 - y² यहाँ पे x आएगा 9 - y² √ with ±। अब हमारे पास क्योंकि जो x है वो बाउंड कर दिया हमने -3 to 3, क्लियर है। तो यानी कि जो x है वो एग्जिस्ट कर रहा है इन वैल्यूज के ऊपर, तो y, ये जो 9 - y² है अंडर रूट के अंदर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि x हमारा एग्जिस्ट कर रहा है किसी डोमेन -3 to 3 के लिए। तो इस डोमेन के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आएगी रूट के अंदर 9 - y², ये हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ से सेम वही चीज हम रिपीट करेंगे, तो हमारे पास y बिलोंग्स टू आ जाएगा -3 to 3। लेकिन साथ में हमें ये भी पता है कि क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या = y, ये जो वैल्यू आई है रूट 9 - x² = y। अब क्योंकि किसी भी वैल्यू का जब हम अंडर रूट लेते हैं इन वैल्यूज के ऊपर ही आप चेक कर सकते हैं, तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो y हमारे पास क्या आएगा, y विल बिलोंग टू 0 to 3 ओनली, क्लियर है। इसको हम स्प्लिट करेंगे बिकॉज y इज पॉजिटिव। जब हमारे पास y पॉजिटिव है तो हमारा जो इंटरवल आएगा वो, इसको हम ब्रेक करने के बाद ये कहेंगे कि y बिलोंग्स टू 0 to 3। तो ये हमारी क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन है 0 to 3। तो इसका रीजन समझ आया आपको कि यहाँ पे 0 to 3 इंटरवल क्यों आए हैं, कि y हमारा पॉजिटिव है किसी भी वैल्यू के लिए, x की जो हमारे पास वैल्यूज आई है -3 to 3, इस इंटरवल में कोई भी आप वैल्यू लेंगे उसकी जो अंडर रूट वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो y अगर पॉजिटिव है और इस इंटरवल को अगर हमने लेना है -3 to 3, तो रियल नंबर लाइन के ऊपर तो कॉमन रिजल्ट हमारा यही आएगा 0 to 3। तो ये हमारी रेंज है फंक्शन की। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि अगर फंक्शन दिया है देन फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x की पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर। तो थर्ड का एक पार्ट हम ट्राई करें, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। fx क्या है, 2x - 5। तो यहाँ हमने f0 को कैलकुलेट करना है,
तो यहाँ अगर हम x की वैल्यू जीरो लेंगे तो f जीरो बन जाएगा हमारे पास, तो 2 × 0 − 5, तो 2 × 0 = 0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास −5, तो ये f जीरो। ये क्वेश्चंस हम 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं, 10th में भी किए हैं, तो ये सेम वही चीज है कि किसी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस हमने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू को रिप्लेस कर देना है फंक्शन की। नाउ फोर्थ क्वेश्चन ये सेम, तो उसमें भी ये हम जो क्वेश्चन है फोर्थ, वो भी हम 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हैं, जो टेम्परेचर है फारेनहाइट और सेल्सियस में, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है एक इक्वेशन के थ्रू, TC = 9C/5+32। तो इसमें भी हमने कैलकुलेट करना है T0 का मतलब C की वैल्यू हमने जीरो रिप्लेस करनी होगी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 32। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेंज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अब जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमने अकेली रेंज को फाइंड आउट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, fx = 2 − 3x, साथ में हमें दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक डोमेन दी हुई है कि x पॉजिटिव रियल नंबर है, तो रेंज हमने कैलकुलेट करनी है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए, जब आप फंक्शन में x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जब आप लेते हैं तो उसके लिए हमारी रेंज क्या बनेगी। जब हम x पॉजिटिव लेते हैं तो −3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी नेगेटिव, क्लियर है, −3 से मल्टीप्लाई किया तो −3x क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम दोनों तरफ 2 को ऐड किया, जब हमने दोनों तरफ 2 को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू <2. अब ये चीज क्या है, फंक्शन है fx, तो fx क्या है, दैट इज y, तो y ही हमारी जो है रेंज बनाती है, तो y क्या है, लेस देन 2, तो यहां से हम ये कह सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन इज −∞ to 2। तो यहाँ पे हमने 2 को ओपन ब्रैकेट्स में रखा है, क्यों रखा है, क्योंकि जो y है इट इज नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पे हमने सिर्फ ये लिखा है कि y जो आ रहा है 2 से लेसर वैल्यू है, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट इज x² + 2, तो अब हमारे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इज x² + 2, तो हमारे पास जो रेंज है काफी इजी क्वेश्चंस है। अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पहले हमारे पास लीनियर पॉलीनोमियल थी एंड एक्स इज ए रियल नंबर, तो लीनियर और क्वाड्रेटिक को हमने कैसे सॉल्व करना होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे ये नहीं है कि एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि एक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लेकिन उसकी जब हम स्क्वायर वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो रेंज है फंक्शन की वो क्या आएगी, 2 to ∞, और 2 वाली साइड पर हमने क्या लिखा है, क्रॉस ब्रैकेट, बिकॉज y कैन टेक द वैल्यू इक्वल टू 2, क्लियर है। नाउ थर्ड पार्ट इज fx इज इक्वल टू x, ये हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन में हमारे पास अगर fx इक्वल टू x है देन x और y वैल्यूज क्या आती हैं, इक्वल आती हैं, तो जो डोमेन है वही उसकी रेंज है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो y भी क्या आ रहा है हमारे पास, रियल नंबर, तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन की जो हम रेंज है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस
टॉपिक के अंदर आपने सीखा कि किसी फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो जब हम किसी फंक्शन, किसी भी टॉपिक के जब हम बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो उस टॉपिक को समझना काफी आसान हो जाता है, लेकिन अकेली एग्जांपल्स को देख के अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जब मोड होकर आता है तो हम ये कहना स्टार्ट कर देते हैं कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस नहीं होते, वहां कमी किस चीज की होती है, बेसिक्स की कमी होती है। तो बेसिक्स को क्लियर करना जरूरी है। तो आपने देखा कि जब हम बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं तो वो टॉपिक हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप जान चुके होंगे कि जो फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज को कैसे इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आपके लिए ये मुश्किल टॉपिक नहीं रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।